हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और वीडियो की थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। जी हाँ, आज मैं बात करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम अपनी स्कूटी एक्टिवा 5G की जो सेल स्टार्ट की प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आज के वीडियो में मैं इसी भी बात करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर ले। ख्याल रखें नोटिफिकेशन बेल की सेटिंग है ऑन पे रखें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये रहा मेरा एक्टिवा 5G और इसका जो सेल्फ है तो आप देख सकते हैं वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके कई रीज़न हो सकते हैं, या तो बैटरी हमारा ख़राब हो गया होगा, या तो वीक हो गया होगा, या फिर हमारा जो सेल्फ स्टार्ट का जो स्विच है उसमें कार्बन आ गया होगा। तो रीज़न अभी बोल पाना मुश्किल है। फिलहाल हम जो स्विच वाला पोर्शन है वो ओपन करेंगे और उसमें देखते हैं कि इसमें कोई कार्बन जमा है क्या। अगर कार्बन जमा होगा तो उसको कार्बन को साफ कर लेंगे। उसके बावजूद अगर हमारा जो सेल्फ है वो काम नहीं करता तो फिर हम यहाँ पे बैटरी चेक करेंगे। तो स्विच वाला पोर्शन ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे 4 स्क्रू ओपन करने पड़ेंगे। एक ये, सेकेंड वाला ये, थर्ड वाला ये एंड फोर्थ वाला नीचे। तो 4 स्क्रू हमें यहाँ पे ओपन करने होंगे और फिर इसको ओपन करने के बाद देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस, इसके अलावा हमें जो मिरर से दोनों वो भी हमें यहाँ पे ओपन करने होंगे। तो चलिए जल्दी से मिरर्स को ओपन कर लिया जाए। सो गाइस, दोनों मिरर यहाँ पे हो चुके हैं ओपन, स्क्रीन पर आप देख भी पा रहे होंगे। तो गाइस, मास्क निकालने के लिए हमें सामने जो आपको स्क्रू नजर आ रहा होगा वो भी ओपन करना होगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने स्क्रू ओपन करके मास्क को निकाल लिया है। तो चलिए जल्दी से स्विच को भी निकाल के चेक कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जो सेल्फ स्टार्ट की जो स्विच का जो कनेक्शन है वो हमने डिस्कनेक्ट कर लिया है और हम अब वायर की हेल्प से इसको शॉर्ट करके देखते हैं कि हमारा सेल्फ है वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वायरिंग को शॉर्ट करने पर हमारा जो सेल्फ है वो वर्क कर रहा है। इट्स मीन्स हमारा जो बैटरी है वो सही है, हमारे स्विच में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो चलिए एक बार स्विच को भी चेक कर लेते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेल्फ स्टार्ट का जो स्विच है वो मैंने निकाल लिया है। तो चलिए जल्दी से जो स्विच है उसको हम साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के लिए मैं यहाँ पे WD-40 का यूज़ करने वाला हूँ, जो आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप में या फिर आपको ऑटोमेटिक की शॉप में मिल जाएगा। तो गाइस, सामने रहा WD-40, आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। जनरली इसका यूज़ रस्ट को साफ़ करने के लिए किया जाता है। तो चलिए जल्दी से स्विच को हम साफ कर लेते हैं। और स्विच को क्लीन करने के लिए यहाँ पे हम वायर का यूज कर रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। तो गाइस, यहाँ पे हमने जो सेल्फ स्टार्ट का स्विच है वो हमने क्लीन कर लिया है। तो चलिए एक बार स्विच को कनेक्ट करके चेक कर लेते हैं। गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्कूटी का जो सेल्फ स्टार्ट है वो प्रॉपर वर्क करने लगा है। तो चलिए जल्दी से स्कूटी की सारे फिटिंग्स को हम फिट कर लेते हैं और एक बार अगेन चेक कर लेते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो सेल्फ स्टार्ट है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। सो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय छत्तीसगढ़।